आगरा में यह हादसा हुआ है और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में आगरा से संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, कितने बजे का ये हादसा है और फिलहाल पायलट जो इसमें सवार थे उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कुछ दिन पहले का ये मामला सामने आ रहा है और कागरौल थाना क्षेत्र के ये सेना गांव का मामला है और यहाँ पर खाली खेतों में ये विमान गिरा है और सीधे सीधे सेना का विमान आ जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण है, आज क्रैश करते समय जब ये विमान खेतों में गिरा तो उसी समय ग्रामीण दौड़ कर खेतों में पहुंचे, तब तक आग लग चुकी थी और पायलट सहित दो लोगों ने इस पर कूद कर जान बचाई, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन अभी भी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है लेकिन कोई आधिकारिक तौर से किसी सेना की तरफ से कोई पुष्टि अभी जो है सामने नहीं आ रही है। इसमें कितने लोग सवार थे, पायलट का क्या कुछ हुआ, ये भी जानकारी नहीं है। विमान 2 किलोमीटर दूर से, यानी जो पायलट है और उसका साथी जो है वो पहले से, एक वीडियो और सामने आ रही है, वो थोड़ी देर में यहाँ अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि उसमें से निकलते हुए भी दिखाया जा रहा है कि कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश भी की है। और जब विमान 2 किलोमीटर दूर से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, उसमें सबसे पहले आग दिखाई थी लोगों को और ग्रामीण धीरे धीरे उसकी तरफ दौड़ते हुए गए तो ये खाली खेत में वहां पर जाकर जब ये गिरा तो इसमें आग लग गई। कुछ जो सामान उसके अंदर से निकला है उसे देखते हुए साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो सेना का विमान है और जो क्रैश हुआ है। विनीत, सेना के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान इस हादसे को लेकर अभी तक सामने आए? क्योंकि सेना का कोई भी अधिकारी अभी तक कागरौल थाना क्षेत्र की तरफ नहीं पहुंचा, क्योंकि आगरा से काफी दूरी पर, करीब 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर यह पड़ता है और यह बिहार क्षेत्र का मामला, सेना का कोई अधिकारी अभी नहीं पहुंचा। स्थानीय पुलिस को जैसे ग्रामीण सूचना देते हैं कि सेना का विमान गिरा है, उसके बाद स्थानीय पुलिस जरूर वहां पर पहुंच जाती है और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश ग्रामीणों ने भी की है। आग बुझाने के बाद उसे पता ये लगाया जा रहा है कि इसके अंदर जो लोग सवार थे, 2 लोग थे या पायलट के साथ उनके कितने साथी मौजूद थे और ये विमान कहाँ से आ रहा है, सारी जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को होगी, सेना के अधिकारी होगी, वैसे ही जानकारी तत्काल यहाँ दी जाएगी। विनीत, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, जो ग्रामीण थे, उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई कि जो विमान था जब हादसे का शिकार हुआ, खेत में गिरा, उस विमान से क्या कुछ लोग बाहर निकले थे और जो बाहर निकले वो लोग कहाँ गए? इसमें 2 लोगों की बात सामने आ रही है। स्थानीय जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि 2 लोगों को गिरते हुए अपनी जान बचाते हुए दिखाया, वो भी एक तरीके से उन्होंने अपने आप को सीट बेल्ट से बाहर निकालने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने जंप लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पैराशूट को निकलते हुए देखा है, इससे पैराशूट से, तो इस तरीके की बातें अभी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो पायलट हो या उसका साथी हो, कोई भी सामने नजर नहीं आया, ना ही ग्रामीणों को कोई मिला है, उसकी भी तलाश की जा रही है। आसपास के क्षेत्र में भी लगातार लोग देख रहे हैं कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया। सिर्फ विमान अकेला जो है वो खेतों में दिखाई दे रहा है जिसमें आग लगी हुई है और सेना का विमान है और उसमें कुछ जो सामान है उसको भी इकट्ठा लोगों ने एकत्रित किया, जहां जहां उसके टुकड़े थे और वो सब एक जगह रखे, इस समय पुलिस को सूचना दी गई है। ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आगरा में यह हादसा हुआ है, सेना का विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है, अभी तक कोई फिलहाल आधिकारिक बयान सेना की तरफ से सामने नहीं आया है कि कितने लोग इस विमान में सवार थे, लेकिन जो ग्रामीण थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनके सामने जब यह हादसा हुआ तो उनकी तरफ से बताया गया कि विमान से कुछ लोग बाहर निकल कर आए थे। अब वो लोग कहाँ गए अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, हालांकि स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से विमान हादसे का शिकार होने के बाद भीषण उसमें आग लग गई, ग्रामीण काफी संख्या में जिस जगह पर हादसा हुआ था उसके पास इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों की तरफ से ही थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है कि विमान में जो पायलट सवार थे उनकी बहुत मुश्किल से जान बची है, जब ये विमान खेत में गिरा, आग लगी, उस वक्त विमान के अंदर जो पायलट मौजूद थे उन्होंने किसी तरह से भाग कर अपनी जान बचाई है। हालांकि अभी तक सेना की तरफ से इस हादसे को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय पुलिस माना जा रहा है कि मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगरा में सेना का विमान क्रैश हुआ है, हादसे की वजह क्या थी ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। विनीत, हादसे को लेकर कोई जानकारी अपडेट मिल पाई अब तक? अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है क्योंकि सेना का कोई अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। सूचना दे दी गई है, जैसे ही सेना के अधिकारी पहुंचेंगे वो जानकारी करेंगे कि ये विमान कौन सा था, कहाँ से आया था और कौन कौन पायलट इसमें सवार था, कौन इसको चला रहा था।
तो कुल मिलाकर अभी जो सूचना है वो ये है कि कागरौल थाना क्षेत्र के गांव जो सोनेगा गांव है उसमें खाली खेतों में यह विमान गिरा है। करीब ये 3 से 4 घंटे पहले की घटना बताई जा रही है। सेना का विमान जैसे ही क्रैश होता हुआ लोगों ने देखा है, ग्रामीणों ने देखा है, उन्होंने दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे गए हैं जहां तक उनकी नजर गई। उसके बाद जब खेतों में वो गिरा है तो उसके बाद तुरंत उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ये भी देखा गया कि पायलट की जो सीट जो थी उसके कुछ अलग अलग टुकड़े जो है वो भी अलग उसमें मिले हैं। इसके अलावा पैराशूट के कुछ जो है वो भी टुकड़े मिले हैं। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इससे ये जाहिर ग्रामीणों का लग रहा है कि पैराशूट से जान बचाने की कोशिश की है और शायद कूदे गए, क्योंकि विमान जब गिरा है तो उसके अंदर किसी के भी मिलने की कोई सूचना सामने नहीं है, ना ही कोई जलाने की सूचना है। तो आखिर ये पता लगा जा रहा है कि विमान कौन चला रहा था, पायलट कहाँ है या उसके साथी कौन कौन इसमें सवार थे। फिलहाल 2 लोगों की बात सामने आ रही है, जैसा ग्रामीणों का कहना है कि जान बचाने की कोशिश शायद 2 लोगों ने की है इसमें। विनीत, कितने बजे के करीब यह हादसा हुआ था और क्या स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है? बिल्कुल, सबसे पहले ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को ही सूचना दी, स्थानीय चौकी को, उसके बाद चौकी ने थाना क्षेत्र को बताया। तो पुलिस जरूर मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि आगरा से काफी दूरी पर पड़ता है, करीब 60 से 70 किलोमीटर ये कागरौल क्षेत्र पड़ता है और देहात का मामला है, तो वहां पर भी पुलिस अधिकारी अभी मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि लेकिन सेना के अधिकारियों को भी सूचना दी है, वो भी तत्काल मौके पर पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस पहुंच चुकी है और वहां पर किसी को भी पास में नहीं जाने दिया जा रहा है। जो विमान थी उसकी आग जो है वो ग्रामीणों ने बुझा दी है और अब जान पहचान छानबीन कर ये पता लगाया जा रहा है, पूरी इसकी जांच पड़ताल कर कि आखिर ये विमान जो है वो कहां से आया था और किस सेना की उसका। ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विमान हादसे का शिकार हुआ है। अभी सेना की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया कि विमान कहां से उड़ा था और कहां पर जा रहा था, हादसे की वजह क्या थी, किन कारणों की वजह से ये हादसा हुआ है, जो पायलट इसमें सवार थे उनके बारे में कोई जानकारी फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, आगरा में यह हादसा हुआ है, सेना का विमान क्रैश हुआ है और विमान के क्रैश होने के बाद भीषण आग भी विमान में लग गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जब यह हादसा हुआ तो ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हुई और ग्रामीणों ने ही पुलिस को सूचना दी। फिलहाल स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो आगरा से यह तस्वीरें सामने आई जहां पर सेना का विमान हादसे का शिकार हुआ है। आगरा के कारा रोल क्षेत्र का यह मामला है जहां पर यह हादसा हुआ है। तो आगरा से ये तस्वीरें सामने आई, आगरा में सेना का विमान हादसे का शिकार हुआ है, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे की वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाई है, जो पायलट इसमें सवार थे उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से बताया गया कि जब ये विमान क्रैश होकर खेत में गिरा उस वक्त पायलट किसी तरह से विमान से बाहर निकल रहे थे, ऐसा ग्रामीणों की तरफ से कहा गया है और उन्होंने ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो किस तरह से विमान क्रैश होने के बाद धू-धू कर जल रहा है वह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से आगरा में सेना का विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है। हालांकि अभी तक कोई बयान साफ नहीं सामने नहीं आया है सेना की तरफ से भी, स्थानीय पुलिस की तरफ से भी, कि किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, हादसे की तस्वीरें सामने आई। और इसी के साथ रुकते हैं यहां पर एक बहुत छोटे से